الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر سیدنا ایوب علیہ الصلات والسلام کی سیرت قرآن مقدس سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے اس برگزیدہ پیغمبر کو مصیبتوں آزمائشوں میں ڈالا اور کس طرح اللہ کے اس پیغمبر نے ان مصائب و آلام میں ان آزمائشوں میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھا صبر کے پیکر بنے رہے پھر رب العالمین نے انہیں صبر اور شکر کا کیا صلہ عطا فرمایا اور کئی عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں ان کے واقعہ میں سیدنا ایوب علیہ الصلات والسلام کا تذکرہ قرآن مقدس میں چار مقامات پہ آیا ہے چار سورتوں میں سورت نساء سورت الانعام سورت الانبیاء اور سورت صاد میں
लेकिन दो मकामात सूरह निसा और मायदा में सिर्फ इनका नाम जिक्र किया है और सूरत अंबिया और सूरत साद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी इस आजमाइश और इब्तिला का जिक्र किया है और उनके सब्र का जिक्र किया है, रब के सामने गिड़गिड़ाने का जिक्र किया है और रब ने उनकी दुआ कबूल करने का जिक्र किया है। तारीख दानों में ये बात मुख्तलफ रही है कि इनका सिलसिला नसब, इनकी तारीख विलादत, इनका दौर कब गुजरा है। कुरान मुकद्दस इससे खाली है, खामोश है। हां, तकरीबन मशहूर ये है कि ये हजरत सैयदुना इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा माल अता किया, इन्हें बड़ी दौलत से नवाजा। अगर तफसीरें देखेंगे तो मिलेगा बकरियों के रेवड़ हैं, भेड़ों के रेवड़ हैं, गाय बकरियां भैंसें मवेशी, खेतीबाड़ी की तवील अरी जमीनें, हर किस्म की दुनियावी नेमतें मुयस्सर हैं। और सबसे बड़ी नेमत और एहसान यह है कि अल्लाह ने इन सारी चीजों के साथ साथ नबूवत से भी मालामाल किया हुआ है। अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश में डाल दिया। क्यों डाला इसका जवाब नहीं है। हां, कुछ तारीखों में लिखा है कि फरिश्तों के हां इनका तज़किरा हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी शान से नवाजा है, इतने शाकिर हैं, इतने साबिर हैं, इतने इबादत गुजार हैं। बात शैतान ने सुन ली, क्योंकि नुज़ूल कुरान से पहले शयातीन और जिन्नात ऊपर जाया करते थे। ये तो कुरान के नुज़ूल की वजह से अल्लाह ने इनका ऊपर जाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो शैतान ने कहा क्यों शुक्रगुजार ना हो कि रेवड़ की कोई इंतहा नहीं, इबादत गुजार क्यों ना बने, जमीने जमीने फसले फसले नेमतें हैं, शुक्र का मजा और सब्र का मजा तो तब आए इबादत का कि ये सारी चीजें छिन जाएं, फिर देखते हैं कितने शुक्रगुजार होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू कर दिया इम्तिहान, आजमाइश शुरू हो गई। मालो मता खत्म, सात बेटे और सात बेटियां यक मुश छत के नीचे आके एक ही दिन में सब की मौत वाकई हो गई। ये तो माल और अहल का इम्तिहान, इम्तिहान बढ़ता गया, उनके अपने वजूद तक पहुंचा, खुद बीमार पड़ गए, शदीद बीमारी में तकलीफ में है। सिर्फ एक बीवी वफादार है जो इस सारे जमाने में मुद्दत में जितनी आपकी बीमारी थी, सात साल, आठ साल, दस साल, तेरह साल, मुफस्सिरीन ने लिखा है अठारह साल तक का कौन, अठारह साल पर मुहित बीमारी।
लेकिन बावफा बीवी मुसलसल आपकी खिदमत में लगी हुई है। आइए कुरान क्या कहता है, जरा अल्फाज पे गौर कीजिए। وأيوب إذ نادى ربه وأيوب और जिक्र कर याद कर अय्यूब अलैहिस्सलाम को। इज नादा रब्बहु जब उन्होंने पुकारा अपने रब को। अन्नी मसनी अज़ुर्रो कि बेशक अल्लाह मुझे पहुंची है तकलीफ। क्या पहुंची है? मसनी अज़ुर्रो मेरे बदन वजूद में मुझे बीमारी तकलीफ पहुंची है। वह अंत अरहमुर रहीमीन और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। वह अंत अरहमुर रहीमीन तू मेहरबानियां करने वालों में सबसे बड़ा मेहरबान है। कुरान कहता है, ये तो एक मकाम है सूरतुल अंबिया 17वां पारा, ये मेरे सामने 23वां पारा है। सूरत का नाम सूरत साद है। कुरान कहता है, अल्फाज पे गौर कीजिए जरा कुरानी, फरमाया वल्कुर अब्दना अय्यूबा तज़किरा कर मेरा पैगंबर, मेरे पैगंबर मेरे बंदे अय्यूब अलैह सलाम का। क्या तज़किरा? इज़ नादा रब्बहु जब उन्होंने पुकारा अपने रब को और क्या कहा? अन्नी मसनी शैतानु बिनुस्बिहु आज़ाब। मसनी शैतानु बिनुस्बिहु आज़ाब, मुझे शैतान ने दुख में तकलीफ में डाल दिया है। उधर बीमारी सिर्फ जिक्र की कि मुझे तकलीफ पहुंची, इधर किसकी तरफ निस्बत कर दी? बोलो जरा, मसनी शैतानु बिनुस्बिहु आज़ाब कि अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंचाई है, शैतान ने दुख पहुंचाया है, अजियत पहुंचाई है। अल्लाह शैतान की तरफ निस्बत इसलिए की है, अंबिया सुलहा नेक लोगों का ये वतीरा रहा है, ये अदब रहा है उनका कि वो खैर की निस्बत रब की तरफ करते हैं और शर की निस्बत शैतान की तरफ करते हैं या अपनी तरफ। शर की निस्बत अपनी तरफ और खैर की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं। फरमाया अल्लाह शैतान ने मुझे दुख और अजियत पहुंचाई है, ऐ मेरे रब्बा। जब पुकारा रब को तो कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया उरकुज बिरिजली का, हरिपुर वालों 18 साल गुजर गए, अल्लाह का पाक पैगंबर अय्यूब अलैह सलाम बीमार है, माल छिन गया, औलाद सारी फौत हो गई, सारे लोग छोड़ गए। क्योंकि मुशरिक होते भी ऐसे ही हैं, वो तो शुक्र करते हैं कि अल्लाह का कोई नेक बंदा कमजोर पड़ जाए। आप तने तनहा हैं लेकिन वफादार बीवी, एक लम्हे के लिए भी उसने आपकी खिदमत में कमी नहीं की। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया जहां आपको सबर दिलाता है,
वहाँ औरतों को खावन की खिदमत की भी तरगीब देता है कि ये नहीं कि खावन जब माल लुटा रहा हो, कारोबार चल रहा हो, फिर तो आप हंसी खुशी रहें, और अगर हालात बदल जाएं तो बीवी खावन से नजरें फेर ले। नहीं नहीं, अगर वो बीमार भी पड़ जाए तो वफादार औरत फिर भी खावन की खिदमत में कमी नहीं करती। ये बीवी लगी हुई है। तारीख में दो नाम जिक्र किए गए हैं इस खातून के, एक नाम है लया लया और दूसरा नाम मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है रहमत। क्या नाम जिक्र किया है? वाकई ये रहमत बीबी थी। इसका एक नाम क्या है? रहमत। तो यकीनन ये किसी रहमत से कम नहीं है। जब खावन इतना बीमार हो कि चलने फिरने के भी लायक ना हो, ये सहारा दे और कजाए हाजत के लिए ले जाए, जब वो हाजत से फारिग हो फिर ये आए और आपको हाथ दे के उठा के घर ले आए। सारा दिन खिदमत भी करती है, खाने का भी इंतजाम करती है, और जब घर में कुछ नहीं है तो बाएं दाएं से जाके कुछ खुराक भी आपके लिए मुहैया करती है, और हर वक्त आपके इलाज की भी फिक्र में लगी हुई है कि मेरा खावन किस तरह सेहतमंद बन जाए। यकीन कीजिए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, ये दुनिया तो सारी की सारी मालो मता है, लेकिन इंसान का बेहतरीन असासा व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया का बेहतरीन मता असासा सरमाया नेक और सालिह बीवी है। सआदत की चार निशानियां हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, उसमें एक यह है नेक पारसा और फरमाबरदार औरत का मिल जाना भी सआदत मंदी की एक अलामत है। अल्लाहु अकबर। ये बीवी रहमत बनकर, नाम भी रहमत और काम भी रहमत वाले, करती जा रही है, खिदमत करती जा रही है। अल्लाह, एक दिन वो वक्त भी आया, बीमारी के दौरान चलती जा रही, रास्ते में दिन ना हो, साल ना हो, 18 साल गुजर जाएं, ये कोई आसान काम है? शैतान रास्ते में तबीब बन के बैठा, कहीं इसने देखा कि कोई तबीब है, डॉक्टर है, हकीम बैठा हुआ है, फौरन आके कहने लगी, ओ तबीब, मेरा बीमार शोहर भी कई सालों से पड़ा है, अगर तू कोई दवा तजवीज कर दे, इलाज कर दे, तेरा भला हो। आपको इलाज कर दे? तो इबलीस कहने लगा, तबीब था ना, उन्हें क्या मालूम था ये खबीस कौन है। कहने लगा, इलाज मैं फ्री में कर दूंगा, मुफ्त कुछ भी नहीं लूंगा, बस एक शर्त ये है। तारीख में ये दोनों लफ्ज आपको मिलेंगे। जब खावन शिफायाब हो जाए तो इतनी बात कह दे कि शिफा मुझे उस हकीम ने दी है, एक। और बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शैतान ने कहा जब आपका खावन ठीक हो जाए तो सिर्फ मेरे नाम का एक बकरा दे दे। मेरे नाम का क्या दे दे? एक बकरा दे दे, बस ठीक हो जाए तो, मेरे नाम का। और उसने अपना नाम बताया हारिस, हारिस के नाम का एक बकरा दे दे। रहमत बीबी ने बातें तो सुनी,
कहने लगी ये सारी बातें मैं जाके अपने उस बीमार खावन के सामने पेश करूंगी, वो क्या राय देते हैं, वो क्या फरमाते हैं। घर आई, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हैं। पूछा आज कहां जाना हुआ, कैसे आना हुआ। कहने लगी एक हकीम देखा, आपकी बीमारी का इलाज और उसके लिए नुस्खा भी बताने का कहा इन दो शर्तों पर। जब ये बात कही उस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए कि ओ अल्लाह की बंदी, इतना अरसा तौहीद के घर में रही है और मुवहिदे आजम की बीवी है और तूने इन जुमलों पे गौर नहीं किया। हालांकि बीबी रहमत बीबी ने ना उसकी बात की तस्दीक की थी, ना उस पे अकीदा रखा था, ना कहा था कि हम ऐसा करेंगे। सिर्फ बात लेकर क्या कर दी, खावन तक पहुंचा दी, और इसमें कोई शिर्क और कुफर की बात भी नहीं थी, सिर्फ बात पहुंचाई। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का मकाम और मकामे तौहीद में आप फना थे, तो कहने लगे सुन लीजिए, अगर मैं सेहत याब हो भी गया तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े? 100 कोड़े मारूंगा। अल्लाह अकबर। बीवी को यह कहा और उधर रो पड़े अल्लाह की बारगाह में, कहने लगे इज़नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश्शैतानु बिनुस्बिन वअज़ाब। और सूरतुल अंबिया में कुरान कहता है, कहने लगे अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु वअंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। अजीब बात, कुरान खोल के देख लीजिए, आपका रब की तरफ से आजमाइश पे सबर की भी इंतहा है, एक लफ्ज भी नहीं इरशाद फरमाया अल्लाह मुझे शिफा दे दे, मुझसे ये बीमारी दूर कर दे, ये लफ्ज पूरे कुरान में नहीं है। दुआ की अदब का ये पहराया रखा और ये आपकी शान के बिल्कुल लायक है। क्यों? तारीख ने लिखा है, इमाम इब्ने जरीर तबरी अपनी तफसीर में लिखते हैं और तफसीर दुर्रे मंसूर में भी है कि एक रोज बीवी कहने लगी अल्लाह के बंदे, तू तो मुस्तजाब दावात है, तेरी दुआएं कबूल होती हैं, तू हाथ उठाता है तो 18 साल होने को है, गिड़गिड़ाना, दुआ करके अल्लाह ये बीमारी दूर कर दे, मुसीबतें आजमाइश खत्म कर दे। कहने लगे दाईना ओ मेरी बीवी छोड़ दे, 70 साल हमने नेमतों में गुजारे हैं, अब कम से कम 70 साल तो तकलीफ पे सबर करने देना। 70 साल हमने किस में गुजारे हैं, नेमतों में गुजारे हैं अल्लाह। अब मजा तो तब है कि कितना सबर होना चाहिए, 70 साल सबर हो तकलीफों का। और इधर लफ्ज ये नहीं फरमाया अल्लाह ने मुझसे बीमारी दूर कर दे, सिर्फ इतना ही कहा मस्सनी अज़ुर्रु, अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है, वह अंता अरहमुर राहिमीन, तू बहुत बड़ा रहम करने वाला है, तू राहिमीन में सबसे बड़ा मेहरबान है। तो कुरान क्या कहता है, फस्तजबना लहू, बस हमने देर नहीं की, उन्होंने जारी की, हमने दुआ कबूल कर दी।
फस्तजबना लहू, बस हमने उनकी दुआ कबूल कर दी। हरिपुर वालों आपसे पूछता हूँ, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो देख लीजिए नबियों पर भी मुसीबत तकलीफ दुख दर्द आता है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन नबी भी मुश्किलात में किसको पुकारते हैं, क्योंकि मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही मुश्किलात दूर करने वाला है। और रब जब डालने पे आए तो मुश्किलात में ऐसे डाल देता है पता भी नहीं चलता, और जब हटाने पे आए तब भी कोई पता नहीं चलता। कुरान कहता है, सूरत का नाम है सूरत अनआम, आयत नंबर 17 है। अल्लाह का कुरान कहता है, इयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अगर अल्लाह तुझे तकलीफ पहुंचाने का इरादा कर ले, अल्लाह क्या पहुंचाए तुझे, तकलीफ पहुंचाए, तो फला राद लहू, तो उसकी तकलीफ, फला काशिफ लहू, तो तेरी तकलीफ कोई टाल सकता, तेरी तकलीफ कोई दूर नहीं कर सकता। और अगला लफ्ज पे गौर कीजिए, फरमाया व इयम सस का भी खैरिन, और अगर अल्लाह तुझे खैर का मजा चखाना चाहे, नेमतों का, भलाई का, फहुआ अला कुल शैइन कदीर, बस बेशक वो हर चीज पे कादिर है। भलाएं आ जाए तो टालने वाला कौन है? जल तू जलाल तू आई बला, टाल तू बलाएं टालने वाला कौन है? अल्लाहु अकबर। तो आपसे एक बात पूछता हूं, जो खुद मुसीबत में पड़ जाए वो इला और माबूद हो सकता नहीं है? माबूद और इला तो वो है जो मुसीबत में डाल भी दे और मुसीबत से निकाल भी दे। और ये करने वाला कौन है? और बिल्कुल यही अंदाज जो मैंने सूरह अनआम आयत 17 पढ़ी, यही अंदाज है सूरत यूनुस में आयत नंबर 107 है। अल्लाह का कुरान कहता है, इयम सस्कल्लाहु बिखैरिन युरिद का बिखैरिन, अगर अल्लाह तुझे, आयत निकाल देता हूं, ये मेरे सामने 11वां पारा है और सूरत का नाम सूरत यूनुस है, आयत नंबर 107 कुरान कहता है, वइयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन, और अगर अल्लाह पहुंचाए तुझे कोई तकलीफ, फला काशिफ लहू इल्ला हू, बस कोई नहीं उसे टालने वाला दूर करने वाला इल्ला हू मगर वही, वही युरिद कभी खैरेन, अगर अल्लाह तेरे बारे में खैर का इरादा कर ले, तुझे खैर देना चाहे, तो फला रादल फजली ही, तो कोई उसके फजल को टाल सकता नहीं है। तो इधर फरमाया, रब से इल्तिजा की, दुआ की, और करें इन 18 सालों में एक दिन भी शिकवा शिकायत नहीं की। हम तो थोड़ी सी तकलीफ आती है तो शिकवे शुरू कर देते हैं, और अजीब तर जहालत की बात कि अल्लाह के शिकवे अल्लाह के बंदों के सामने जाके करते हैं। लेकिन यह वाकया बतलाता है कि 18 साल तक आप बीमार हैं, एक दिन भी शिकायत नहीं की, एक दिन भी शिकवा नहीं किया। बस यही है, माल लुट लिया गया, माल ले लिया गया, औलाद ले ली गई, जमीनें छीन ली गई, बदन में बीमारी आ गई, लेकिन फिर भी कहते हैं
हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा अब तो खलवत हो गई, एक उनसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई, लाख झिड़कों अब कहां फिरता है दिल, हो गई अब तो मोहब्बत हो गई। और मकाम भी यही है कि बंदा रब को पहचानने के बाद तकलीफ और दुख आए बजाए ना शुक्रा बनने के, बजाए जजा फजा करने के, उसको तो यूं कहना चाहिए, सरे तस्लीम में खम है जो मिजाजे यार में आए, अल्लाह जो तेरी मर्जी है, अल्लाह जैसे तेरी कजा है वैसे मेरी रजा है, इसी को कहते हैं रजा बिल कजा, रब के फैसले पे क्या होना राजी होना। शायर कहता है हो वफा या हो जफा मरगूब है, हो वफा या हो जफा मरगूब है, हमको तेरी हर अदा महबूब है, जानो दिल तो दे चुके अरसा हुआ, जाने मन अब और क्या मतलूब है, अल्लाह हमें सब मंजूर है, किसी हाल में भी तेरी नाशुक्री नहीं बेसब्री नहीं। तो फरमाया पुकारा अपने रब को तो रब ने क्या फरमाया हमने कहा उरुकुल बेरिजले का, यहां मुफस्सरीन ने एक अजीब बात लिखी, बीवी इनको लेकर गई थी हाजत के लिए, दूर खेतों में जाके कहीं ठहराया, आप बैठे मैं आती हूं, आते हुए आपको इधर से उठाते हुए साथ लेके घर की तरफ ले चलूंगी। इधर इन्होंने इल्तिजा की, रब ने दुआ कबूल करते हुए फरमाया उरकुज बेरिजले का, मेरा अय्यू जरा एड़ी रगड़ना, उरकुज बेरिजले का, मार अपना पांव जमीन पे, जैसे ही पांव मारा कुरान कहता है हाजा मुग्तसलुम बारिदुन व शराब, ये चश्मा है नहाने के लिए, बारिदुन ठंडा है व शराब और पीने के लिए, वही चश्मा फूट पड़ा, मौजजा है अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जैसे चश्मा फूटता है फरमाया ठंडा है, पी लीजिए अंदर की कमजोरियां दूर और नहा लीजिए बाहर की सारी बीमारियां दूर। अब जब पिया गुसल किया बिल्कुल हशाश बशाश जवान सेहतमंद चमकदार राना जवान है, अब बैठे हुए बोलते नहीं है, बीवी आई रहमत बीवी या लया, जू ही वो आती है देखती है वहां एक जवान बैठा है सेहतमंद तवाना, कहने लगी ओ अल्लाह के बंदे मेरा यहां बीमार शोहर पड़ा हुआ था कमजोर आजिज अल्लाह का बंदा, वो कहां चला गया, वो तो चल फिर भी नहीं सकता था। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं ओ बीबी तेरा बीमार शोहर कैसा था, तेरा बीमार शोहर कैसा था, मुंह फेरते हुए कहने लगी रहमत बीवी कि अल्लाह के बंदे जब सेहतमंद और तवाना था तो बिल्कुल तेरे जैसा था, बिल्कुल आपकी तरह था। मुस्कुराते हुए फरमाया अल्लाह ने इब्तिला खत्म कर दी है, मेरी तरफ देख मैं ही तेरा शोहर हूं, रब ने मुझे सेहत अता कर दी है। हरिपुर वालों बीमारों को शिफा देने वाला कौन है, जोर से बोलो कौन है, अल्लाह है। कुरान कहता है उरकुज बेरिजले का, अब यहां एक बात समझने की है, कुरान ने सिर्फ इधर ये तज़किरा किया, अब मैं सूरत अंबिया का मकाम पढ़ता हूं, वहां कुरान क्या कहता है, सिर्फ सेहत मिली नहीं,
कुरान कहता है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 83 कुरान कहता है फस्तजबना लहू, बस हमने उनकी दुआ कबूल की, फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, हमने दूर कर दी वो जो उनको तकलीफ थी, वआतैनाहु अहलहु, और हमने उनके अहल और कुंबे को भी वापस उन्हें अता कर दिया, सिर्फ अहलो अयाली दोबारा नहीं दिए, वा मिसलहुम माहुम, और उन जितने और भी हमने अता किए, रहमतम मिन्ना, अपनी तरफ से रहमत करते हुए, अपने अपनी तरफ से। यहां मुफस्सिरीन किराम की दो राय है, एक राय यह है कि जो बेटे फौत हो गए थे, जो बच्चियां सात बेटे सात बेटियां फौत हुई वो जिंदा नहीं हुई, लेकिन चूंकि सात बेटे और सात बेटियां थी तो अल्लाह ने 14 बेटे और दे दिए और 14 बेटियां और दे दी, यूं डबल कर दी। और तकरीबन इमाम कुर्तबी, इमाम इब्न कसीर, कई दीगर मुफस्सिरीन ने इस बात को भी तरजीह दी है कि नहीं, कुरान के जाहिर से यह मालूम होता है कि जो फौत हो गए थे रब ने उनको भी जिंदा कर दिया ताकि गम दूर हो, तो पूरी तरह दूर हो ना, क्या ख्याल है? जो फौत हुए बच्चे भी जिंदा, बेटियां भी जिंदा कर दी, बीवी भी सेहतमंद, रब ने उसे सात बेटे और सात बेटियां और अता कर। सच बताओ बेटा बेटी देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये नहीं है हमारे यहां तो बेटा बेटी लेने के लिए लोग पता नहीं कहां कहां के चक्कर लगाते हैं जी, जहां के कब्रों पे जाके बाबा शाहजमाल पुत्र देवे रत्ता लाल, कुकड़ कहते पुत्र दे, ये सौदेबाजियां चल रही, ये सब मजाक है हरिपुर वालों, और कहीं लाइनें लगी हुई हैं तावीजगरों के पास, सब जोड़े जा रहे हैं जी, औलाद नहीं हो रही। ओ भाई औलाद के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह का कुरान कहता है यहां बोली मैशा यहां बोले मैशा उजुकूर औ युज़व्विजु हुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मैशा अकीमा, जिसे चाहे बेटियां देता है, जिसे चाहे सिर्फ बेटे देता है, औ युज़व्विजु हुम ज़ुकरान व इनासा, या बेटे और बेटियां दोनों दे देता है, व यजअलु अकीमा, जिसे चाहे तो रब बाच बना दे, कोई ना दे तो ना दे तो कोई दे सकता, बड़े बड़े अमीरों को ना दे, बड़े बड़े वलियों को ना दे, बड़े बड़े पैगंबरों को ना दे, तो 120 साल तक ज़करिया अलैहिस्सलाम मांगते रहे, रब ने नहीं दिया, और जब देने पे आया तो पांच औरत को सेहतमंद करके हजरत ज़करिया को बुढ़ापे उधेड़ उम्र में भी बेटा अता कर दिया। और इधर आपने कभी देखा है शायर ने कितने ही प्यारे अंदाज में कहा हाँ? कि कुतियां नू बच्चे कौन है देंदा, जीड़ी टुर दिए ला के कतारा। आपने कुत्ती को देखा, दर्जन दर्जन बच्चे, किस तावीजगर ने उसको तावीज दिया है, किस बाबा के पास वो गई है, कौन से मजार के ऊपर तवाफ किया है? गौर कीजिए, कुतियां नू बच्चे कौन है देंदा, जिड़ी टुर दिए ला के कतारा, मुर्गी किसे पीर दा दीवा नहीं पालिया, बच्चे मिल गए बेशुमारा, मछलियां नू बच्चे कौन है देंदा, बच्चे जन जन करन बहारा, फर्क सिर्फ ये मेरा दोस्त
کہ اے تے سارے رب کو لو منگ دے او خاکی تو در در کریں دا پکارا یہ سب رب سے مانگتے ہیں تو در بدر ٹھوکرے کھاتا ہے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مال کی مصیبت میں اہل و عیال کی تکلیف میں یا اپنے بدن کی تکلیف میں مبتلا ہے تو سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنے اور نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرے عقیدے میں جنبش نہ آنے دے پائے استقلال میں جنبش نہ آنے دے رب کی بارگاہ سے نا امیدی اور نا مایوسی کہ بادل چھانے نہ دے اپنے اوپر بلکہ اسی در سے وابستہ رہے اسی سے پر امید رہے کیونکہ اسی کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے میرا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے انا عند ظن عبدی بی میرا بندہ جیسے گمان توقع رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں اب اس بیچاری کا کیا بنے گا جس کے بارے میں قسم اٹھائی تھی کہ اگر میں صحت مند ہوا تو کیا کروں گا تجھے اب صحت مند تو ہو گئے ہیں اس قسم کا کیا کیا جائے گا کیا وہ کوڑوں کی مستحق ہے جس نے اتنی تکلیف مصیبت اور پریشانی برداشت کی اب پریشانی تو یہ بھی ایک لاحق ہے اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر خذ بیدک اللہ خذ بیدک ایوب علیہ السلام سے فرمایا لے اپنے ہاتھ میں زغسن تنکوں کا ایک گٹھا ایک مٹھا جانتے ہیں نا ایک مشت جیسے جھاڑو ہوتا ہے تنکوں کا ایک مٹھا لے فضرب بھی اور اس سو تنکوں والے گٹھے سے اپنی بیوی کو مار ولا تحنس اور اپنی قسم میں آنس نہ ہو سو کوڑے نہیں سو تنکے لے اور بیوی کو ایسے مار اور اپنی قسم میں بری ہو جا قسم توڑ نہیں بلکہ قسم پوری کر دے رب ہے نا کس کے کرنے پہ ایسا ہوا اللہ نے یہ طریقہ بتایا اب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس چیز کو سامنے رکھا اور ہیلوں کا دروازہ کھول دیا ٹھیک ہے کہتے ہیں بھائی ہیلا ہیلا زکات سے بچنے کا ہیلا زکات سے بچنے کا ہیلا پتا ہے کیسا ہے سال گزرے تو زکات فرض ہوتی ہے تو سال گزرنے میں ابھی مہینہ باقی ہے سارے پیسے بیوی کو کہتا ہے میری طرف سے میری ساری دولت تجھے تحفہ ہدیہ اب جب ہدیہ ہو گیا سارا مال تو اب زکات تو نہیں رہی اس پہ اب بیوی نے اس کو سال آٹھ گیارہ مہینے رکھا اس پہ جب زکات فرض ہونے لگی تو اس نے خاوند کو کیا کہہ دیا جی میری طرف تو سانس سے تحفہ سالانہ اب وہ بھی بچ گئی اور دلیل جی سو کوڑے کی جگہ سو تن کے مار دو کام بن جاتا ہے مفسرین نے فرمایا کہ اندھے انسان تجھے اتنا دروازہ کس نے کھول کے دیا کہ شریعت کے خلاف رب کے قوانین توڑنے کے لیے ہیلا یہ دروازہ تجھے کس نے کھول کے دیا یہاں تو ایوب علیہ السلام کو رب نے کیا دیا حکم دیا تھا تجھے کس نے حکم دیا ہے کر یہ صرف ہیلا نہیں تھا رب کا کیا تھا حکم تھا رب نے حکم دیا تو ہیلا کیا بن گیا تجھے کس نے اجازت دے دی ایک یہ بن دیا اب ذرا دوسرے ہیلے کی طرف جائیے مر گیا بندہ جنازہ پڑا ہے چارپائی دفن سے پہلے پانچ دس ہزار روپے کا بنڈل تھما دیا مولانا صاحب کو اس نے قرآن مقدس کے ساتھ بنڈل لیا اور دائرہ بیٹھ گیا
और दायरे में लोग कहते हैं इस मुर्दे की नमाजें रोजे जितनी भी कफारा हैं सारे जो इस पे फर्ज हैं उसका कफारा देते हुए मैंने ये 5,000 रुपये आपको दिया, आपने कबूल किया है कफारे में? वो कहता है मैंने कबूल किया है। वो आगे कहता है मैंने आपको दिया, आपने रोजे नमाजों के कफारे में कबूल किया है, अब 5 जब उन्होंने दिया तो 10 हो गए, जब वो आगे देगा तो कितने हो गए? 15, करते करते 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 10,000, 1,00,000। इस तरह घुमा घुमा के वो सारी नमाजें और रोजों के कफारे क्या हो गए? अदा हो गए। सच बताओ मेरे दोस्तों, इस तरह से जान छूट जाएगी? देने 100 हों और बंदा 2 दे जी, आपको किसी का कर्ज देना हो 1,00,000 रुपया, तो आप इस तरह दायरा बना के उसको घुमा घुमा के कहो जी 1,00,000 हो गए, ऐलो जाओ 10,000 रुपये पकड़ाओ, उसको 10 दफा घुमाओ तो 1,00,000 हो जाएंगे, कह जाओ छोड़ेगा? मेरे दोस्तों, इसीलिए फुकहा ने, इसीलिए उलमा ने इस पर रद्द किया है। पहले तो बहुत ज्यादा यहां जनाजों के बाद हमारे इस मुआशरे में बहुत ज्यादा होता था, इतना कि हर जनाजे के बाद लड़ाई झगड़ा, 2 मौलवी लड़ रहे हैं, कहता है भाई पैगंबर से नहीं साबित हुआ, कहता साबित है या नहीं पर मैं कर रहा हूं, होता लड़ाई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग इन चीजों से क्या हो गए हैं, बाहर आ गए, और आना भी चाहिए। अहकाम शरीयत के खिलाफ, कानून इस्लाम के खिलाफ ऐसे हीला जोइयां जिसका ना कुरान में जिक्र हो, ना सुन्नत मुस्तफा में जिक्र हो, ना सहाबाए किराम का अमल रहा हो, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एक दूसरी बात की वजाहत वो भी जरूरी है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार तो हुए, इसमें कोई शक कुरान कहता है, लेकिन इतने मिसालें साथ लगा 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 के बात इतनी बढ़ा दी बाज किताबों ने और बाज किस्सा गो ने कि उन्होंने साथ कहा जी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में नऊज़ु बिल्लाह कीड़े पड़ गए। हम बचपन में ये जब ऐसी कोई तकरीर होती ना, हम सुनते भी थे और बिल्कुल ये सादे बूढ़े रोने भी लग जाते थे। फिर इस पे भी मिसाला इतना चढ़ा दिया जाता कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में कीड़े पड़ गए, और कीड़ा क्या नीचे, जब बदन से कीड़ा नीचे गिरता तो नीचे से उठा के दोबारा उसके जख्म पे रख देते। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्या इलाज अंबिया की सुन्नत नहीं है? कीड़ा नीचे गिरता वो उठा के ऊपर। अब बयान करना चाह रहा है नबी की शान, और देखा जाए तो शान नहीं, नबी की क्या कर रहा है, तोहीन कर रहा है। मुसलमानों का अकीदा है कि अंबिया वफात के बाद भी 1,00,000 साल गुजर जाएं, उनके जिस्म को ना मिट्टी खा सकती है मौत के बाद भी, और ना कीड़ा लग सकता है। अल्लाह की कसम, गुलाब का फूल जब उस पे शबनम पड़ती है सुबह को, इतना ताजा नहीं जितना मेरे मोहम्मद का वजूद आज भी अपनी कब्र में तरोताजा है। ये अकीदा है, और इधर ये अकीदा बयान किया जा रहा है कि अंबिया नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में क्या पड़ गए थे, नऊज़ु बिल्लाह। ये कौन सी बात है? कहते हैं बीमारी का जिक्र कुरान ने किया है, इन खुराफात का जिक्र कुरान ने नहीं किया है। और याद रखिए, बीमारी भी इस किस्म की नहीं डालता। अल्लाह अपने पैगंबर को, इस दुनिया में बीमारियां आती हैं, बुखार आता है, तकलीफ आती है, अजियत आती है, लेकिन ऐसी बीमारी में अल्लाह अपने पैगंबर को नहीं डालता कि लोग कराहत और नफरत करने लग जाए। ऐसी बीमारी में अल्लाह अपने नबी को नहीं डालता। ये किस ने आपको बता दिया है? ये सारी बातें गलत हैं। इसलिए मैंने समझा कि आपके सामने इख्तिसार के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस सब्र का जिक्र किया जाए। दुनिया का भी कानून है मेरे दोस्तों, और किसी ने सच कहा है, भरोसा न माल पे होना चाहिए, न जाह मनसब पे, न सेहत और तवानाई पे भरोसे
नहीं होने चाहिए। ये तो आनी जानी चीजें हैं। अरब के यहाँ ये एक मशहूर जुमला है, वो कहते हैं मन इअतमदा अला मालिही कल्ला व मन इअतमदा अला अक्लिही जल्ला व मन इअतमदा अला सुल्तानिही व जाहिही जल्ला। जो बंदा अपने माल पे भरोसा और गमन करता है तो माल खत्म हो जाता है, कल्ला घट जाता है। जो बंदा अपने अकल पे भरोसा करता है वो जल्ला गुमराह हो जाता है। जो बंदा अपने मसनद पे, सुल्तान पे, जाहो जलाल पे एतमाद करता है जल्ला जलील हो जाता है। वह मन एतमाद अल्लाह, और जो अल्लाह पे भरोसा करता है वला कल्ला वला जल्ला वला जल्ला, न वो गुमराह होता है, न उसको कमी आती है, न वो जलील होता है। अल्लाह अकबर। तो भरोसा और एतमाद, अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया बतलाता है कि किस पे होना चाहिए, अल्लाह पे होना चाहिए। और ये भी याद रखिए, मुसीबत कभी आना ये इस बात की दलील नहीं कि फलां बंदा अल्लाह उससे नाराज है, या फलां अल्लाह का जो है मगजूब बंदा है या बदअमल है। नहीं नहीं, इम्तिहान आते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, फरमाया अशद्दुन्नास बलान अल-अंबियाउ ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل। सबसे ज्यादा बला मुसीबत नबियों पे आती है, उसके बाद सालिहीन पे आती है। فالامثل فالامثل ثم الامثل فالامثل, फिर जो जितना अंबिया और सालिहीन के करीब होता है, उनके नक्शे कदम पे चलता है, उन पे मुसीबत आती है। और दस्तूर है अरब, कितना प्यारा जुमला कहते हैं, वो कहते हैं अल अताया अला मतनिल बलाया, अल अताया अला मतनिल बलाया। दोस्तों, अताया अतिया तो मुसीबत की सवारी की पीठ पर पड़ी होती है। अल अताया अला मतनिल बला है, यानी मुसीबत आती है तो साथ क्या चीजें लेके आती है, अताया लेके आती है। रब की तरफ से नवाजिशात हैं, और इस नवाजिशात की जरा बरमार देखिए। सही बुखारी की हदीस है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुसल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अचानक रब ने ऊपर से सोने की टिड़ियां बरसा दी। सही बुखारी, क्या बरसा दी, टिड़ियां। अब सोने की टिड्डी ऐसे गिर रही है तो आप उसी वक्त समेटने लगे अपने कपड़ों में, उनको चुन रहे हैं, समेट रहे हैं। रब ने पुकारते हुए फरमाया या अय्यूब, ओ मेरा अय्यूब, क्या मैंने इतना मालो मता दे के तुझे मुस्तगनी नहीं कर दिया, फिर ये चुन रहे हो। फरमाया बला, क्यों नहीं अल्लाह, तूने इतना दे के मुस्तगनी कर दिया है, लेकिन इतना देने के बावजूद भी तेरी बरकत से तो मैं बेपरवाह नहीं हो सकता, ये भी तेरी तरफ से बरकत है, तो मैं इससे कैसे बेपरवाह लापरवाह हो सकता। रब ने यूं दिया है। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है, हैं? हमारे यहां अली चंद के मोहल्ले के एक दोस्त हैं, उनका नाम है अय्यूब। तो मैं मस्जिद से एकदम निकला एक दिन, कहने लगे मौलाना साहब बड़ी परेशानी है, बस सेहत नहीं है, घर में ये बड़ी परेशानी है। तो मैंने कहा भाई अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मैंने बयान किया था ना, तो वो कहता है जी या अल्लाह मां लोग अय्यूब पाजी आते ने, मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं आ, या अल्लाह मुझे अय्यूब भाई कहते हैं, मैं वो वाला अय्यूब हूं, वो अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं हूं कि आपने वो मुसीबतें मेरे ऊपर डाल दी। मैंने कहा नहीं, सब्र और इस्तकामत से काम लीजिए। और यहां हमारे दोस्त बैठे हैं, यही मीलम के हैं। एक दिन भाई आसिफ कहते हैं बच्चों के साथ उमरे के लिए गया, कहते हैं मताफ में
एक बेटे का नाम इब्राहिम है उनके, एक बेटे का नाम इस्माइल है, छोटा बेटा वो वहां बैठा है, इसका नाम दाऊद है। अल्लाह की शान, अल्लाह ने तीन बेटे दिए हैं, सारे कुरान के हाफिज भी हैं, और जो बड़ा बेटा है इब्राहिम मेरा शागिर्द है, यहां आता है, तकरीबन 4,500 अहादीस का हाफिज भी है। यही आपके गांव मीलम में है। रब ये नहीं देखता ये मौलवी का बेटा है, ये खान का बेटा है, नवाब का बेटा है, सरमायादार का बेटा है, नहीं, रब जब देता है तो ऐसे देता है। तो एक दिन वो कहने लगे मुझसे बेटा इब्राहिम मताफ में गुम हो गया। अब हम दाएं बाएं तलाश कर रहे हैं या अल्लाह, और वहां बिछड़ जाए तो परेशानी भी होती है। तो मैं मकाम इब्राहिम पे काबे की तरफ देखता हूँ, या अल्लाह ये मेरा बेटा इब्राहिम है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं है। अल्लाह इतनी आजमाइश, कहते हैं बस ये लफ्ज कहने से पास देखा तो बेटा पास खड़ा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से इल्तिजा कीजिए। जब रब से मांगो ना तो पता है किस तरह मांगो, जिस तरह एक मासूम बच्चा आंसुओं की लड़ी रुकती ही नहीं और मां से चिमटता है, मां अगर दो तीन मारती भी है फिर और चिमटता है, और मारती और उधर ही चिमटता है, और आखिर में रो के चिमट के अपनी बात मनवा ही लेता है, क्योंकि मां है। तो कहां इस मां की मोहब्बत और कहां रब्बुल आलमीन की मोहब्बत, उसकी रहमत का क्या कहें। कायनात की सारी माओं की मोहब्बतें एक तरफ, मेरे रब की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसे मांगिए, देखिए रब देता है कि नहीं देता। हम पे मुसीबत ये है कि थोड़ी सी तकलीफ रब के शिकवे शुरू कर देते हैं और रब के दर के सिवा दाएं बाएं देखना शुरू हो जाते हैं, कहीं से मेरा काम बन जाए। नहीं, आइए रब से मांगिए तो सही, अल्लाह देता जरूर है, और ऐसा देता है, शायर कहता है, अल्लाह हो यग़ज़बु इन तरकता सुआलहू, अल्लाह हो यग़ज़बु इन तरकता सुआलहू, वबनु आदमु यग़ज़बु हीना युसअलु। अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह नाराज होता है, बंदों से मांगो तो बंदे नाराज होते हैं। जितना ही कोई अमीर हो उससे मांगो वो नाराज होता है, रब से ना मांगो तो रब क्या होता है। तो जब ना मांगने पे नाराज होता है तो मांगने पे वो खुश होता है। इसी मांगने के लिए ही तो तुम्हें पैदा किया, वरना उसको तुम्हारी नमाजों की रोजों की कोई हाजत नहीं थी। यही तो मतलूब था, मुसीबत में डाला, गिड़गिड़ा ले, रो ले, आंसू बहा ले, सारा दिन कोई बंदा रोता रहे रब कुछ नहीं देता, लेकिन रब की मोहब्बत और खशियत और तलब में एक आंसू भी बहा ले वो इतना कदरदान है कि तेरे एक आंसू से अल्लाह जहन्नम की आग तुझ पे हराम कर देते। रब इतना कदरदान है, मखलूक के सामने रोगे क्या मिलेगा। अल्लाह हमें अपनी बारगाह में गिड़गिड़ाने वाला बना दिया।